जुलाई महीने में हर साल कारगिल युद्ध की याद ताजा हो जाती है और कारगिल युद्ध में वीर भूमि हमीरपुर के सपूतों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान दुश्मनों पर अकेले ही भारी पड़ने वाले हमीरपुर के टनेकन गांव के सुनील कुमार शहीद हो गए थे। सुनील कुमार 18 जुलाई को कारगिल युद्ध में देश के लिए कुर्बान हो गए थे और आज भी परिजन शहीद सुनील कुमार को याद करके आंखें नम कर लेते हैं। जुलाई महीने में हर साल कारगिल युद्ध की याद ताजा हो जाती है और कारगिल युद्ध में वीरभूमि हमीरपुर के सपूतों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान दुश्मनों पर अकेले ही भारी पड़ने वाले हमीरपुर के टनेकंड गांव के सुनील कुमार शहीद हो गए थे। सुनील कुमार 18 जुलाई को कारगिल युद्ध में देश के लिए कुर्बान हो गए थे और आज भी परिजन शहीद सुनील कुमार को याद करके आंखें नम कर लेते हैं। हालांकि दो दशक पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज दिन तक शहीद के घर तक सड़क निर्माण कार्य को पूरा न होने पर शहीद के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों में भी मलाल है। शहीद सुनील कुमार के माता सत्यदेवी ने नम आंखों से अपने बेटे की दास्ता सुनाते हुए कहा कि बचपन से ही बेटे को आर्मी में जाने का शौक था। उन्होंने बताया कि बहन की शादी नजदीक होने पर 10,000 रुपए भेजे थे और शादी के लिए जल्द छुट्टी आने वाला था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका शव ही घर आया था। माता ने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर बहुत गर्व है। डैडी भी इच्छा ही नहीं थी भाई मैं फौज भर्ती कराना। चले फौज मेरे बच्चे पर बड़ा गर्व था, बड़ा अच्छा था। फिर बच्चा ता कैसी भी पर खरा अच्छा बोलता, मैं सब कुछ करी ने दिखाऊंगा तुम। जो पहले चिट्ठी आई ही पहले दीदी बहनी का ब्याह 10 महीने 10,000 भेजे, बोले मैं 10,000 भेजे भी डैडी जी तो समान ले लैना जी समान ही, बाकी मैं आई आना फिर ही करा जो छुट्टी आ रहा था। 18 जो यह 24-26 ब्याह भाण जी का छुट्टी आ रहा से तो तीन लड़ाजे जिते अपने हिसाब आई बोले आऊंगा तो 10,000 तीन भेजी था पहले ही 26 उखती है या फिर 18 जो खत्म हुई है शहीद हुई है। बड़ा गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। लिए से चली है सेवा के लिए सारे ने। शहीद के भाई मेहर चंद ने बताया कि सुनील कुमार के शहीद होने के बाद सरकार ने वादा किया था उसे पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक सड़क का काम पूरा होने वाला है। उन्होंने बताया कि अपने भाई की शहादत पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि गांव में डाकघर शाखा के साथ साथ औषधालय खुलना चाहिए। भाई सुनील कुमार जो था वो बहुत ही जज्बे वाला भाई था। वो गेमें वो खेलता था, गेमें मैंने भी खेली हैं और देशभक्ति हुआ उसमें जज्बा था। उसके ऊपर बहुत गर्व है, जितना कोई उम्मीद नहीं कर सकता उतना मुझे गर्व है उस पर। बैंक शाखा हो जाए या डाकखाना हो जाए वो भी अच्छी बात है, और हमारी पंचायत जो है वो 6 किलोमीटर 7 है वो भी लागू हो जाए तो बहुत अच्छा है। लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेना मेडल सूबेदार प्रेम चंदेल ने बताया कि सेना में एक युद्ध ऑपरेशन के दौरान 3 गोलियां लगी थी। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार की शहादत पर बहुत गर्व है और इनके पद चिन्हों पर युवक भी आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा शहीद के घर तक सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सड़क पूरी नहीं बन पाई है। सूबेदार प्रेम चंदेल सेना मेडल, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ और 30 साल आर्मी में नौकरी करके आया हूँ। मुझे भी ऑपरेशन ओपी रक्त थर्ड में एक ऑपरेशन के दौरान 3 गोलियाँ लग गई थी। काफ़ी लंबा टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ हूँ। हमारे गांव के शहीद सुनील कुमार ऑपरेशन कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी शहादत पर हमें बहुत गर्व है, और उनके ही पदचिन्हों पर हमारे आगे वाली जनरेशन जो है वो आर्मी में जाने की उत्सुक है और खूब बच्चे आर्मी में गए हैं और लगभग सभी लगभग 80% बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं इस वक्त इस गांव के। शहीद होने के बाद जो प्रदेश सरकार ने जो शहीद के मतलब शहादत पर जो कोई आश्वासन दिए थे तो अभी तक तो पूरे नहीं हुए, लेकिन 1-1.5 साल से शहीद के घर तक एक अभी सड़क बनी है जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और एक अभी थोड़े 10-15 दिन पहले एक शहीद के घर के पास एक हैंडपम्प लगा है। बाकी
काम जो है वो सड़क का चालू है अभी। गौरतलब है कि शहीद सुनील कुमार 24 साल की उम्र में शहीद हो गया था और शहीद सुनील कुमार 14 जेके रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे थे। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में शहीद होने के बाद सरकार द्वारा शहीद के घर तक सड़क सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन आज दिन तक सड़क काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी लग गई है। वहीं अब इतने साल बीत जाने के बाद भी गांव की अनदेखी हुई है और गांव में न तो डाकघर डिस्पेंसरी तक नहीं खुल पाई है।